माता तेरी सदाई जय, दीप वाली पूजन। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जो मनुष्य दीपावली के दिन अपने घर में दीपक जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी विराजमान रहती है तथा दृढ़ता कभी नहीं आती। अब मैं उस कहानी की को कहता हूँ जिससे सत शर्मा नामक ब्राह्मण ने धन की कामना से श्री कृष्ण जी का स्मरण किया था। पृथ्वी जी बोले, सत शर्मा ब्राह्मण कौन था, उसकी कथा क्या है तथा उसके घर रात्रि के समय प्रकाश देकर लक्ष्मी जी किस प्रकार आई थी। नारद जी बोले, शूरसेन नामक देश में सत शर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। वह धर्म हेतु किए जाने वाले कर्मों के लिए धन पाने की कामना से सदा व्याकुल चित्त बना रहता था। वह सोचा करता था, यदि मेरे पास धन हो तो मैं धर्म करता हुआ सदा सुखी रहूं तथा अपने स्त्री पुत्र को अलंकृत और घर को भी सुंदर बनाऊं। इस प्रकार की कामना लेकर उसने धन प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक देवादिदेव श्री नारायण जी की पूजा करना आरंभ किया। इस प्रकार विष्णु जी की पूजा करते समय उनके पास जो थोड़ा बहुत धन आता था वह सब व्यय हो जाता, खर्च हो जाता था, संचित इकट्ठा नहीं होता था तथा वह उदास तथा दुखी रहता था। उसने धन प्राप्ति के लिए बड़ा परिश्रम किया। एक समय उसने किसी ज्ञानी विज्ञानी विद्वान से पूछा कि बताओ कि उसने धन प्राप्ति के लिए बड़ा परिश्रम किया। उस समय उसने किसी ज्ञानी विद्वान से पूछा कि भक्ति धन की कामना वाले की इच्छा पूरी नहीं होती। हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु तो कामना रहित और भजन नंदी तथा विरागी द्वारा पूजे जाते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा नहीं। ये सुनकर वह ब्राह्मण यमुना तट पर गया। वहाँ पर एक स्थान पर शिवलिंग स्थापित देखकर प्रतिदिन पूजा करने लगा। एक वर्ष पश्चात शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास पहुँचे और प्रेम भक्ति से पूरक सत शर्मा को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताते हुए बोले, तुम अपने राजा के पास जाकर उनसे ये वर मांग लो कि दीपावली की रात्रि में नगर में कोई भी व्यक्ति मुझे छोड़कर घर में दीपक ना जलाए। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपने राजा के पास पहुंचकर ऐसी ही मांग की। उस मामूली सी बात मानकर राजा ने उसे पूरा करने का वचन दे दिया। जब वह रात आई तब राजा ने सत शर्मा को दिए गए वचन पर सिमरन करते हुए अपने नगर में ये राज्य में सर्वत्र ये घोषणा करवा दी कि आज सायंकाल के समय कोई भी व्यक्ति अपने घर में दीपक ना जलाएगा। अतः उससे रात अन्य किसी ने दीपक नहीं जलाए, परंतु सत शर्मा ने अपने घर को अवश्य सुशोभित किया। अपने दीप वाली जलाकर रात्रि के समय अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक गीत गाए और मंगलचार किए, कोटक किए। जब वहाँ लक्ष्मी आई और उसने सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा देखा तो दीपकों के प्रकाश से सुशोभित ब्राह्मण के घर पर जा पहुँची। वह अपने हाथ में लीला कमल धारण किए हुए थी। ये मन में प्रसन्न होकर मुस्कुराती हुई मनुष्य की स्त्री जैसे स्वरूप धारण कर वह ब्राह्मण के घर में प्रवेश करने लगी। उस समय ब्राह्मण ने उनसे ये कहा, हे भद्रे, तुम्हारा पति बड़ा कठोर हृदय का है, वह पहले भी किसी पर प्रसन्न नहीं हुआ, तुम भी अत्यंत चंचला हो। इस कार संसार में तुम दोनों ही पति पत्नी दोषी हो, अतः तुम मेरे यहाँ मत रहो, किसी अन्य को जाकर चलो। लक्ष्मी जी बोली, श्री विष्णु शयन कर रहे हैं, ऐसा समय में तुम्हारे यहाँ आई हूँ, मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप में रहूँगी, तुम मुझे घर के भीतर जाने दो। ब्राह्मण बोला, यदि तुम 3 पीढ़ी तक मेरे यहाँ रहने की शपथ खाओ तब मुझे धन के घमंड में अंदर ना करो तो मेरे घर में रहो, अनर्था नहीं। तब उस देवी ने कहा कि तुम विधि पूर्वक मेरी पूजा करो। ब्राह्मण बोला, परमेश्वरी,
तुम्हारी पूजा के लिए क्या करना चाहिए, उनके उपचार क्या हैं, वह मुझे मुझसे कहो। लक्ष्मी जी बोली, जो मनुष्य कार्तिक मास में सुंदर दिव्य मालिका सजाकर भृत अर्थात तिल के तेल में विशेष कर अमावस तिथि का घी के जितने भी दिए जलाता है, उतने ही सहस्त्र युगों तक वह रुद्र लोक में निवास करता है। वह ब्राह्मण अमावस के दिन प्रातः काल स्नान करके देवता तथा पितरों की पूजा करके श्राद्ध करे तथा ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से भोजन पदार्थ खिलाए, संध्या के समय दीपमाला करे, अपने घर में तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में शमशान में चौराहे पर अग्नि वाले स्थान पर तथा गौशाला में दीप दान करे करने में के बाद मुझे शाम अवश्य शयन अवस्था में जगाना चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री नित ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले उठ जाती है, इसी प्रकार मैं अपने पति श्री विष्णु जी के जागने से 12 दिन पहले जाग जाती हूँ। बालक वृद्ध तथा रोगी को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति दिन के दिन में भोजन ना करे, प्रदोष काल में यथाक्रम मेरी पूजा करे, स्वस्तन गणेश जी के बाद पूजा करे, संकल्प करे, फिर गन्ना गणनायक की पूजा करे और गणेश जी की पूजा करे। इस स्तोत्र से 16 प्रकार से उपचार से पूजन करना चाहिए। फिर कुबेर जी की पूजा करे, कुबेर पूजा से इस प्रकार प्रार्थना करे, हे कुबेर जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप निधियों के स्वामी हैं। हे देवी, आप लक्ष्मी सहित मेरे घर में शिथर बना रहे हैं, सदा निवास करें। यह कहकर 16 उपचारों से पूजा करें। ओम भूर्भुव स्वः कुबेराय नमः, इस मंत्र से कुबेर जी का पूजन करें। 16 उपचारों से मेरी पूजा करनी चाहिए। एक पात्र में अष्टदल शुभ कमल सहित लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें, वहीं कुबेर तथा सिद्धिदाता गणेश जी को भी स्थापित करें, पूजा करनी चाहिए। उसके आगे एक पात्र स्थापित करें, इस पास संकल्प लेकर जल छोड़े, ओम तद जुम दीपाय जैसे मूल में लिखा है, ओम गण नायक इस मंत्र का गणपति का आह्वान करे, ओम भूभुवः स्वः गणपतये नमः, इस मंत्र से शिष्टोपचार द्वारा वाहन सहित गणेश जी का पूजन करे। फिर ऊपर मूल संस्कृत के अनुसार मंत्रों का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी तथा कुबेर जी का पूजन करे। उसके बाद जो लक्ष्मी जी का ध्यान करे, जो लक्ष्मी जी कमल आसन पर विराजमान है, बड़ी कटी तल वाली कमल के समान नेत्र वाली गंभीर नाभि वाली सुंदर सत्रों से भार में झुकी हुई शुभ वस्त्रों को धारण करने वाली दिव्य हाथियों द्वारा मणि युक्त स्वर्ण कुंभों में नित्य स्नान करने वाली अपने हाथ में कमल को धारण करने वाली हे सदा मेरे घर में निवास करती हुई कल्याण करे, शंख चक्र गदा को हाथों में धारण करने वाली शुभ वरण सुंदर मुख वाली सर्व सिद्धि दात्री देवी मुझे 100 वरदान दे। ये कहकर आसन प्रदान करे, फिर खड़ंग शूल गदा तथा पाश के हाथों में धारण करने वाली यशवानी समस्त ऐश्वर्यों को देने वाली हाथी पर अरूढ़ महालक्ष्मी जी मेरा कल्याण करे। तपे हुए स्वर्ण की भांति तेजस्वी कमल नयन वाली चतुर्भुज तथा लाल रंग के आसन पर स्थित महादेवी मुझे वर दे। विद्याधरी महालक्ष्मी पद्माश्री लोका नायिका तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों को युक्त देवी पंडितों द्वारा पूजनीय शीर समुद्र में उत्पन्न विष्णु की पत्नी महाभूति वाली तथा क्रोर सूर्य जैसे प्रभा वाली देवी नित पंच अमृत में स्नान करे। इसे इति स्नान नारायणी महालक्ष्मी जगन माता शंकर जैसे आधे शरीर वाली महालक्ष्मी देवी विष्णु की प्रिया अगर चंदन कपूर कुमकुम रोचन तथा कस्तूरी आदि से सुगंधित लेप करे में स्थापित करे। परमेश्वरी आप मुझे प्रसन्न हो, परिजात चंबेली चंपा आदि पुष्पों को समर्पित करें,
आप इन्हें ग्रहण करें। महालक्ष्मी गुग्गल चंदन तथा अगुर जैसे नृपति धूप दीप आपको निवेदित कर रही हूँ। हे महादेवी, परम उज्ज्वल शरीर तथा गहन अंधकार को नष्ट करने वाली दीप आपको समर्पित है तथा सभी रत्नों में नवेद को निवेदित कर रही हूँ। हे लक्ष्मी, आप इसे ग्रहण करें। हे महेश्वरी, पवित्र नारियल कपूर केला आदि फलों से मैं आपको भेंट करता हूँ। कपूर सुपारी तथा अन्य वस्तुओं से युक्त तामुल को मैं भेंट कर रहा हूँ। हे देवी, इसे ग्रहण करें। इसके बाद देवी की इस प्रकार प्रार्थना करें। सब देवताओं को वर देने वाली तथा देवताओं द्वारा पूजित देवी आपको नमस्कार है। आप अपनी पूजा के फल स्वरूप मुझे उत्तम गति दीजिए और स्वर्ण हेम मालिनी तथा चंद्र सूर्या रूप देवी को मैं नमस्कार करती हूँ, बार बार नमस्कार करती हूँ। अग्नि ज्योति, सूर्य की ज्योति, चंद्रमा की ज्योति तथा अन्य सभी ज्योतियों से भी अधिक उत्तम देवी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। जो देवी सब लोकों में तथा सब देवताओं में स्थित है, जो चंद्रमा सूर्य तथा इंद्र की शक्ति है, वह मुझे वरदान दे। जो देवी विष्णु के हृदय में अग्नि के भीतर स्वाहा तथा कुबेर रूप में तथा कुबेर के यहाँ लक्ष्मी रूप में विराजमान है, वह लक्ष्मी मुझे वर दे। इसके बाद कुबेर की प्रार्थना करते हुए कहे, हे कुबेर जी, आपको नमस्कार है। आप निधियों के स्वामी हैं। आपकी कृपा से मुझे धन धन आदि संपत्ति मिले। जब दक्षिणा का मंत्र कहते हैं, हे सूरन सौभाग्यदायिनी देवी, आप स्वर्ण रजत तथा रत्नों में आभूषण से युक्त हैं। आप मेरी पूजा ग्रहण करें। जब लक्ष्मी तथा कुबेर जी को नमस्कार करने का मंत्र कहते हैं, हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। सर लोक परदायिनी, हे निधियों के स्वामी, हे जगन माता, आप दोनों को अलग अलग प्रणाम है। इसके बाद तिलक करते हुए ये कहे, हे देवी, मैंने आपकी अर्चना की है। आप मुझे जय सौभाग्य तथा उत्तम गति प्रदान करें। सूर्या वसु रुद्र विश्वदेव तथा मार्ग गण धर्म काम तथा अर्थ की सिद्धि हेतु मेरे द्वारा किए गए तिलक को स्वीकार करें। इस प्रकार पूजा करके यथाविधि ब्राह्मणों को भोजन कराए और अपने बंधु बांधुओं को भी साथ भोजन करें। और फिर रात को शरद दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी का सुख महालक्ष्मी जी सुख आरोग्य तथा संपत्ति से स्थिर बनाए रखे। हे लक्ष्मी जी, आप हमारे घर में सदा निवास करें। बोल लक्ष्मी माता तेरी सदाई जय। हे लक्ष्मी माता, आप सदा मेरे घर में निवास करें। बोल लक्ष्मी माता तेरी सदाई जय।